लावा ने अपना बेहतरीन स्मार्टफोन लावा अग्नि 3 भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन को एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और ड्यूल डिस्प्ले के साथ पेश किया गया है। ये एक मिड रेंज फोन है जिसमें आपको OIS सपोर्ट के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। फोन MediaTek Dimensity 7300X द्वारा संचालित होता है और इसे 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ पेश किया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं लावा अग्नि 3 की कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से। फोन को दो अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया गया है जिसमें 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत चार्जर के साथ 20,999 रुपए है और इसके 8GB प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत चार्जर के साथ 22,999 रुपए निर्धारित की गई है। हालांकि 8GB प्लस 128GB वेरिएंट को बिना चार्जर के खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 19,999 रुपए खर्च करना होंगे। फोन को प्रिस्टीन ग्लास और हेदर ग्लास इन दो रंगों में पेश किया गया है। फोन की बिक्री 9 अक्टूबर रात 12 बजे से शुरू होगी और इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और Amazon e-commerce वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। यदि हार्डवेयर में कोई परेशानी होती है तो इसके लिए 1 साल तक फ्री रिप्लेसमेंट की भी सुविधा दी गई है। फोन में 6.78 इंच का FHD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त बैक पैनल पर 1.7 इंच का ओलेड अग्नि इंस्टा स्क्रीन मिल जाता है। फोन MediaTek Dimensity 7300X द्वारा संचालित होता है और Android 14 पर रन होता है। इसमें आपको 8GB LPDDR5 RAM के साथ 128GB प्लस 256GB UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन मिल जाते हैं। फोन के बैक पैनल पर 50 मेगापिक्सल OIS प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो कैमरा का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रंट में 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोटोग्राफी के मामले ये स्मार्टफोन अच्छा है। फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर और बैटरी काफी बढ़िया है। अन्य फीचर्स की बात करें तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6 इको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉल्बी एटमोस, स्टेरियो स्पीकर्स और एक्शन बटन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। फोन IP64 रेटिंग की सुरक्षा के साथ आता है। तो दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।